गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टैक्सेशन का सेकंड क्लास, टैक्सेशन की सेकंड क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे। कस्टम्स ड्यूटी का जनरल इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, कुछ डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमने डिस्कस वहाँ पर करे थे। कस्टम्स ड्यूटी क्या होता है ये सब, आज हम इसके चैप्टर 6 पर चलते हैं, टैक्स लाइबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ गुड्स। आप कहेंगे कि डायरेक्ट चैप्टर 6, तो यहाँ पर जो बीच में चैप्टर्स हैं वो टिपिकल थियोरिटिकल चैप्टर्स हैं, उनसे कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और उनमें से जो बेसिक चीज़ें थी वो हम या तो आगे आने वाली क्लासेस में वैसे ही पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे, और कुछ डेफिनेशंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है, इसलिए मैंने उनको एक बार के लिए छोड़ दिया है। हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल चैप्टर आज इस सब्जेक्ट का, टैक्स लाइबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, कर दायित्व और माल का मूल्यांकन करना कि आप जो टैक्स लगा रहे हो टैक्स की लाइबिलिटी कितनी आएगी, और जो टैक्स चार्ज किया जा रहा है वो किस मूल्य पर किया जाएगा। तो आप कहेंगे सिंपल है ना कि 5 लाख का बिल बना है तो 5 लाख पर आप टैक्स चार्ज कर लो, देन नो। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको इस वैल्यू के अंदर ऐड किया जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको इस वैल्यू के अंदर ऐड नहीं किया जाता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसका प्रॉपर प्रोसीजर है, पूरा मेथड है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टैक्स लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कर का दायित्व उत्पन्न होता कब है, इसको हम कहेंगे लेवी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। लेवी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, कर दायित्व का उद्ग्रहण कब होता है, कर का दायित्व उत्पन्न ही कब हो रहा है। तो ऐसे केस में सबसे मेन चीज़ यहाँ पर जो है कस्टम्स ड्यूटी सीमा शुल्क जो है वो लगेगी ड्यूटीएबल गुड्स पर, यानी कि कर योग्य मूल्य पर, शुल्क योग्य माल पर ही लगाई जाएगी। शुल्क योग्य माल का मतलब क्या होता है, तो ऐसे कुछ गुड्स हो सकते हैं जिनको कस्टम्स ड्यूटी से एग्जेम्प्ट रखा गया हो, तो वो ड्यूटीएबल गुड्स के अंदर नहीं आएंगे, शुल्क योग्य माल के अंदर नहीं आएंगे। अदरवाइज जितने भी आपके इंपॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विस, इंपॉर्टेंट गुड्स हैं आपके, वो सारे के सारे आ जाएंगे कस्टम्स ड्यूटी के दायरे में आते हैं, उनको ड्यूटीएबल गुड्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज़, सीमा शुल्क का उद्ग्रहण कर योग्य या शुल्क योग्य माल पर ही किया जाता है। और कर किस रेट से लगाया जाएगा, तो सीमा शुल्क लगाने के लिए जो रेट्स आपकी है वो कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर दी गई है। कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975, ये एक एक्ट बना हुआ है, इस अधिनियम के अंदर, कस्टम्स टैरिफ अधिनियम के अंदर रेट्स दी गई है कि किस रेट से आपको टैक्स चार्ज करना है। तो टैक्स लगाने के लिए जो रेट्स है वो इस एक्ट से ली जाएगी। लेवी किस पर होगी कस्टम्स ड्यूटी की, तो लेवी होगी सिर्फ शुल्क योग्य माल पर, ड्यूटेबल गुड्स पर ही इसकी लेवी होती है। और कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अंदर इसकी क्या दी जाती है, रेट्स दी जाती है। कुछ गुड्स ऐसे हो सकते हैं जिनको कस्टम्स ड्यूटी के लिए एग्जेम्प्ट रखा गया हो, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है जबकि कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगे, तो वो सारी आपके एक्ट्स के अंदर, प्रोविजंस के अंदर लिखी हुई होती है। उनके अलावा उन एक्सेप्शंस को छोड़कर जितने भी गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं उन सब पर क्या चार्ज की जाएगी, कस्टम्स ड्यूटी चार्ज की जाएगी, उन सब पर कस्टम्स ड्यूटी की लेवी होगी, टैक्स लाइबिलिटी आपका आपके ऊपर बनेगी। अब हम आते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, तो ये थ्योरी टॉपिक था छोटा सा, टैक्स लाइबिलिटी तो लेवी कब होती है, ड्यूटीएबल गुड्स होते हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं उनको ही हम ड्यूटीएबल गुड्स कहते हैं, जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं कस्टम्स ड्यूटी के पर्पज से तो वही ड्यूटीएबल गुड्स है, शुल्क योग्य माल है। और अब हम पढ़ते हैं वैल्यूएशन कैसे किया जाता है गुड्स का, तो वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, आप अगर माल खरीद रहे हैं, आप विदेश से कोई माल आयात कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री से कुछ गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, सबसे पहले गुड्स क्या उनकी फैक्ट्री से बनकर उनके पोर्ट पर जाएंगे, चाहे वो एयरपोर्ट हो या नॉर्मल पोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, अगर आप ट्रेन के माध्यम से मंगवा रहे तो उनके पोर्ट पर जाएंगे, वहाँ पर से वो गुड्स आपके किसी पर्टिकुलर साधन के अंदर, जो भी है ट्रेन, शिप या फिर एरोप्लेन, जो भी आपका रहेगा उसके अंदर उन गुड्स को लोड किया जाएगा, फिर वो इंडिया में आएंगे। इंडिया में भी कहाँ, सीधे आपकी फैक्ट्री में तो नहीं आएंगे ना, वो पोर्ट पर आएंगे, वही एयरपोर्ट या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म जहाँ भी, वहाँ आने के बाद उन गुड्स को वापस अनलोड किया जाएगा, फिर वो आपकी फैक्ट्री के अंदर आने वाला। तो ये सारा जो प्रोसीजर रहता है उसको हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या हुआ, गुड्स उनकी फैक्ट्री से उनके पोर्ट पर आए, तो वहाँ तक उनकी जो लागत लगी है ना, वहाँ तक का जो खर्चा लगा है उसको कहा जाता है FOB प्राइस,
या FOB वैल्यू, FOB इसकी फुल फॉर्म होती है, FOB मीन्स फ्री ऑन बोर्ड, कि जब उन्होंने गुड्स को बोर्ड पर ला दिया, मतलब उनकी तरफ से सब कुछ ख़त्म, उन्होंने क्या किया, उनके पोर्ट पर लाकर गुड्स को रख दिए कि हमने आपके गुड्स जो है वो बना दिए और ये बिकने के लिए या फिर डिलीवरी आगे देने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो उसको कहा जाता है फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, FOB प्राइस। तो सबसे पहले तो FOB प्राइस हमें लिखनी है, FOB की इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी होती है, और FOB प्राइस ध्यान रखना ज़्यादातर फॉरेन करेंसी में होगा। मैंने यहाँ पर डॉलर लिखा है, डॉलर, पाउंड, यूरो, जो भी हो फॉरेन करेंसी के अंदर FOB आपको लिखा हुआ दिया रहता है, तो हमें भी उसे क्या कर देना है, फॉरेन करेंसी में लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। $10,000, $50,000, $1,00,000, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से FOB लिखा जाएगा। तो FOB क्या है, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, मीन्स आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्टर, आपको जो पर्सन एक्सपोर्ट कर रहा है उसने वो गुड्स किस कोस्ट पर पोर्ट तक ला दिए हैं, पोर्ट पर डिलीवरी के लिए अवेलेबल करवा दिए हैं, वो गुड्स आपके कहलाएंगे वो गुड्स की वैल्यू आपकी FOB वैल्यू कहलाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, पोर्ट से गुड्स हमारे पास आएंगे, सीधी सी बात है, पोर्ट पर लगा दिए, अब वहाँ से वो उसे लोड कर देंगे, वो गुड्स किसके पास आएंगे, हमारी कंट्री के अंदर आएंगे, तो रास्ते में क्या लगेगा, भाड़ा, फ्रेट तो चार्ज होगा, सीधी सी बात है, फ्रेट चार्ज करना पड़ेगा, भाड़ा आपको लिखना पड़ेगा। अब फ्रेट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रेट लगाएंगे, सीधी सी बात है, जितना भी भाड़ा लगना है वो यहाँ पे हम लिख देंगे, जो भी आपका फ्रेट चार्ज हो रहा है वो हम ऐड कर देंगे। फिर इसके अंदर ऐड किया जाएगा कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस क्यों, तो विदेश से माल मंगवा रहे हैं, ध्यान रखिए शीश का, मान लो आपने पानी से माल मंगवाया है, जहाज डूब गया, एरोप्लेन से माल मंगवाया है, आपका प्लान क्रैश हो गया, या फिर ऐसा कुछ भी, तो ऐसे केस में आपके तो सारे के सारे गुड्स, आपको तो नुकसान हो जाएगा भारी, तो उससे बचने के लिए हम क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस, और ये मैंडेटरी भी होता है, कंपल्सरीली आपको इंश्योरेंस करवाना ही पड़ता है, जब आप इंपोर्ट कर रहे हो ना तो इंश्योरेंस आपको करवाना ही पड़ेगा। तो इंश्योरेंस की कॉस्ट भी यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब जो अमाउंट आती है उसको कहा जाता है CIF वैल्यू, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। CIF की फुल फॉर्म क्या होगी, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। CIF का मतलब है कि इसके अंदर कॉस्ट भी जुड़ी हुई है, गुड्स कितने के हैं वो हमने इसमें फ्रेट भी ऐड कर दिया, हमने इसमें इंश्योरेंस भी ऐड कर दिया, इन सब की टोटल CIF वैल्यू ये होगी इन डॉलर, यूरो, कैसे बनाते हैं, यूरो, व्हाटएवर। तो इस तरीके से डॉलर या यूरो के अंदर, डॉलर, यूरो, पाउंड, जो भी आपकी फॉरेन करेंसी दे रखी है उसके अंदर आपकी यहाँ पर CIF वैल्यू निकल जाएगी। अब गुड्स इंडिया में आ गए, फ्रेट चार्ज कर लिया, इंश्योरेंस लगा दिया, गुड्स इंडिया में आ गए, हमारे पोर्ट पर पहुँच गए। अब आपको गुड्स डिलीवर करने से पहले कस्टम्स ऑफिसर आपसे क्या मांगेंगे, कस्टम्स ड्यूटी। तो आप कहेंगे कि बताइए कस्टम्स ड्यूटी का पेमेंट कितना करना है, तो वो इस वैल्यू के आधार पर किया जाएगा। ये CIF वैल्यू इन डॉलर और यूरो है, इस CIF वैल्यू को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन के अंदर एक्सचेंज रेट दी गई होगी कि $1 इज इक्वल्स टू ₹70। अब यहाँ पे अगर $10,000 है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, $10,000 इंटू 70 कर दो तो ये आ जाएंगे ₹7,00,000, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। तो आपको रेट ऑफ एक्सचेंज क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, उसकी कोई टेंशन हमें लेनी नहीं है। ध्यान रखना CIF वैल्यू तक हम क्या करते रहेंगे, उसको फॉरेन करेंसी में ही चलने देंगे, और जैसे ही वो CIF वैल्यू आपका पूरा निकलता है, एक्सचेंज रेट जो भी क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी उस रेट को अप्लाई किया, आपके पास CIF वैल्यू इन रुपीज़ आ जाएगी, और यही कहलाती है असेसिबल वैल्यू, कर योग्य या शुल्क योग्य मूल्य, जिसकी गणना हम यहाँ पे कर रहे हैं, वैल्यूएशन जो हम कर रहे हैं, दैट विल बी एसेसिबल वैल्यू ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे हमारी एसेसिबल वैल्यू कितनी हो गई, ₹7,00,000। समझ में आ रही है चीज़, सबसे पहले FOB देखना है, FOB फ्री ऑन बोर्ड जो उनके बोर्ड पर है, प्लस रास्ते का आपका जितना भी फ्रेट चार्ज करना है वो इंश्योरेंस, या आपकी CIF वैल्यू आ जाएगी। इस CIF वैल्यू को फॉरेन से इंडियन करेंसी में हम कन्वर्ट करेंगे, रेट ऑफ एक्सचेंज क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन होती है, तो ये हमारी आ जाएगी CIF वैल्यू इन रुपीज़, और जिसको ही हम कहते हैं असेसिबल वैल्यू।
ओके तो हमने जो चार चीज़ें यहाँ पर चार नाम हमने लिए, फर्स्ट फ्री ऑन बोर्ड FOB, सेकंड हमने लिखा है फ्रेट। तो अब इसको समझते हैं फ्रेट किस तरीके से चार्ज किया जाएगा। सबसे पहली चीज़ दो यहाँ पे इस फ्रेट के अंदर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, एयर फ्रेट एंड अदर्स। एयर फ्रेट नाम से पता चल रहा है कि हवाई मार्ग से आ रहा है, एरोप्लेन से या फिर हवा से, अगर हवा के मार्ग से अगर आपने गुड्स को इंपोर्ट किया है तो जो भाड़ा आप चुकाएंगे वो किस नाम से चुकाएंगे, एयर फ्रेट के नाम से। और अदर्स यानी कि पानी से या फिर बसेस से, कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ से आप लोकल ट्रांसपोर्ट से भी इंपोर्ट कर सकते हो, तो वहाँ से या फिर ट्रेन के माध्यम से अगर आपने इंपोर्ट किया तो वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर एयर फ्रेट के अंदर बोल दिया आपको, फ्रेट विल बी मैक्सिमम 20% ऑफ FOB प्राइस। सिंपल, मैक्सिमम 20% ऑफ FOB प्राइस, उससे ज़्यादा एयर फ्रेट आप चार्ज कर ही नहीं सकते हो। अब मैक्सिमम है, ध्यान रखना है ये मैक्सिमम 20% है। क्वेश्चन में मान लो आपको FOB दी हुई है 10,000, एक्चुअल फ्रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,500 रुपये, तो यहाँ आप 20% के हिसाब से 2,000 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 20% तो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इससे कम तो हो ही सकता है। तो यहाँ पे अगर दिया हुआ जो एक्चुअल फ्रेट है ना वो 1500 है, तो हम उसे ऐड करेंगे, उसे ही लिखा जाएगा मैक्सिमम। अगर यहाँ पे मान लो 2500 होता तो अब यहाँ पे हम कितना लिखते, सिर्फ 2000, और नोट डाल देते कि एयर फ्रेट के केस में फ्रेट जो है वो FOB के 20% से ज़्यादा चार्ज नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखना एक्चुअल गिवन है तो कंपेयर करना है कि वो 20% से ज़्यादा है या कम है। 20% से कम एक्चुअल है तो ऐड कर दो, 20% से ज़्यादा है तो आप 20% निकालो FOB का और उसको ऐड करो। और अगर एक्चुअल गिवन ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, फ्रेट दिया हुआ ही नहीं है, तो सिंपल हम तो अपने FOB का 20% ले लेंगे। समझ में आई चीज़? तो एयर फ्रेट के बारे में ध्यान रखना मैक्सिमम 20% ऑफ FOB प्राइस, उससे ज़्यादा का फ्रेट आप चार्ज नहीं कर सकते हो। अदर के अंदर दो कंडीशन, गिवन नॉट गिवन, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है उसे ही लिख लो, यहाँ कोई 20% की लिमिट नहीं, नहीं दिया हुआ है 20% ऑफ FOB ले लो। अदर फ्रेट के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिया हुआ है तो लिख लो, नहीं दिया हुआ है तो 20% ले लो। लेकिन एयर फ्रेट में ध्यान रखना है, नहीं दिया हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 20% लिख लो, लेकिन दिया हुआ है तो कंपेयर करके लिखना पड़ेगा। दिया हुआ जो है वो अगर 20% से कम है तो उसे लिखेंगे, और अगर जो दिया हुआ है वो 20% से ज़्यादा है तो मैक्सिमम 20% तक की अमाउंट को ही लिखेंगे। तो ये हमारा फ्रेट का प्रोविज़न रहेगा, याद रखना इस प्रोविज़न को अच्छे से, क्वेश्चन में काफ़ी ये काम आता है। एयर फ्रेट और अदर फ्रेट है, आपको ध्यान, हमें कैसे पता चलेगा कि एयर फ्रेट है कि अदर फ्रेट, तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि हवाई मार्ग से मंगवाया, या फिर आपको बोल देंगे हवाई जहाज़ का इतना भाड़ा है, तो हवाई जहाज़ का भाड़ा है, एरोप्लेन का भाड़ा है, तो हमें समझ में आ गया कि वो एयर फ्रेट है, तो वहाँ पे आपको 20% वाली लिमिट को ध्यान में रखना है। तो सेकंड हमने जो फ्रेट पढ़ा था उसके प्रोविजंस हमने लिख लिए, पढ़ लिए। थर्ड एक वर्ड हमने यूज़ किया था यहाँ पर, इंश्योरेंस, बीमा ज़रूरी भी है करवाने के लिए, करवाना ही चाहिए। अब इंश्योरेंस में भी दो चीज़ें गिवन, एक्चुअल एक्सपेंडिचर गिवन है और नॉट गिवन है। गिवन है तो लिख दो, कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एयर वाला और अदर वाला कोई प्रोविज़न नहीं, इंश्योरेंस का सिंपल सा प्रोविज़न, इंश्योरेंस के एक्सपेंडिचर्स अगर गिवन है तो उनको एज इट इज़ आप लिख दो, एंड इफ़ नॉट गिवन देन 1.125% ऑफ FOB, ध्यान रखना 1.125% ऑफ FOB प्राइस आपको इंश्योरेंस है। सिंपल सा प्रोविज़न इंश्योरेंस का, कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिया हुआ है उसे ही लिख दो, नॉट गिवन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, देन 1.125% ऑफ FOB आपको लिखना ही है क्वेश्चन के अंदर। हर क्वेश्चन में इंश्योरेंस की चाहे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी हो, इंश्योरेंस आपको ऐड करना ही करना है। अगर क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया जाए इग्नोर इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर्स, या फिर इंश्योरेंस की कॉस्ट को इग्नोर करना है, तो हम इंश्योरेंस को ऐड नहीं करेंगे। अदरवाइज़ हर क्वेश्चन के अंदर हर कंडीशन में इंश्योरेंस की कॉस्ट को
ऐड किया जाएगा, दे रखा है तो ओके, नहीं दे रखा है तो 1.125% हम ले लेंगे FOB का। और चौथा जो हमारे पास आया था वो था CIF, मैंने बता ही दिया था। CIF मीन्स कोस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रीट। बस फिर क्या करते हैं CIF को हम, तो ये इन तीनों को ऐड करते हैं, ये हमारी CIF आती है, इसको हम इन रुपीज़ कन्वर्ट कर लेते हैं, वही हमारी असेसिबल वैल्यू हो जाती है या फिर ड्यूटेबल वैल्यू ऑफ गुड्स हो जाता है। बस इस तरीके से आपको असेसिबल वैल्यू की कर योग्य या शुल्क योग्य मूल्य की गणना करनी है। ये आपका फिक्स्ड फॉर्मेट रहेगा लगभग हर क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पर आगे हम इस टॉपिक को ले जाते हैं, कुछ ऐसी कॉस्ट है, कुछ ऐसी सर्विसेज है जिसको इसके अंदर जोड़ा जाएगा, इस असेसिबल वैल्यू में उसको जोड़ा जाएगा। अब वो ऐसी कॉस्ट या ऐसे एक्सपेंडिचर्स क्या हो सकते हैं जिनको जोड़ा जाए और कुछ एक्सपेंडिचर्स जिनको नहीं जोड़ा जाए। तो पहले हम पढ़ेंगे टू बी इंक्लूडेड, जोड़ी जाने वाली मदें। किन किन चीज़ों को एसेसिबल वैल्यू की कैलकुलेशन करते टाइम पर जोड़ा जाएगा? ये FOB, इंश्योरेंस, फ्रेट तो है ही, इनके अलावा भी कुछ ऐसे आइटम्स होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे सर्विसेज होती हैं जिनकी वैल्यू को ऐड करना होता है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कमीशन व दलाली, कमीशन एंड ब्रोकरेज। कमीशन और दलाली, कमीशन एंड ब्रोकरेज जोड़ा जाएगा, मस्ट बी इंक्लूडेड। कमीशन को हर कंडीशन में जोड़ा जाएगा एक्सेप्ट परचेज या फिर बाइंग कमीशन। क्वेश्चन के अंदर सिंपल आपको दिया हुआ है कमीशन $500 या फिर ₹5,000 ऐड कर दो, डॉलर में दे रखा है तो CIF से पहले ऐड कर दो फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे, और रुपीज़ में दे रखा है तो आप CIF को पहले रुपीज़ में बदल लो फिर ऐड कर दो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई कमीशन परचेज कमीशन के नाम से दिया हुआ है या फिर बाइंग कमीशन, क्रय कमीशन अगर लिखा हुआ है, तो उस कमीशन को हम एसेसिबल वैल्यू के कैलकुलेशन के लिए ऐड नहीं करेंगे। देन कमीशन एंड ब्रोकरेज शैल बी इंक्लूडेड, बट परचेज कमीशन को हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन आता है परचेज कमीशन होता क्या है? तो परचेज कमीशन का मतलब होता है क्रय कमीशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। मान लो मुझे कोई, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करती हूँ, अमेरिका से मेरा काफ़ी इंपोर्ट होता है, वहाँ मैंने अपना एक एजेंट बिठा रखा है, मेरा एजेंट है, इंपोर्टर का एजेंट है, बायर का एजेंट है, जो कि फॉरेन में मेरे बिहाफ पर काम कर रहा है, और उसको जो मैं इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए कमीशन देने वाली हूँ वो परचेज कमीशन होगा, उसको इन गुड्स की कॉस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। उसने मुझे कहीं से ऑफर लाके दिया कि मैम ये बहुत अच्छे से, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के गुड्स है, ये 1 करोड़ रुपए के गुड्स होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ये 80 लाख में ही मिल रहे हैं, आपका प्रॉफिट होगा या आप गुड्स इस कंपनी से परचेज कर लो। अब उसने मुझे 20 लाख का प्रॉफिट करवाया, तो मैं उसे कुछ ना कुछ कमीशन तो दूंगी, और हर ट्रांजेक्शन के साथ कमीशन तो वैसे ही फिक्स्ड होता है। तो मैंने मान लो कि 1 करोड़ पर 5% उसको बोल दिया कि आपको कमीशन मिलेगा, 5% कमीशन आपको मिलेगा, तो वो कमीशन मुझे उसको पे करना है। वो कमीशन जो है वो बाइंग कमीशन या परचेज कमीशन कहा जाता है, और उस कमीशन को एसेसिबल वैल्यू की कैलकुलेशन करते टाइम पर जोड़ा नहीं जाएगा। सेकंड आता है कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स। कंटेनर्स मतलब डिब्बे, बड़े बड़े बॉक्स जिनमें कि गुड्स भेजे जाते हैं। हम जब फॉरेन से माल मंगवा रहे हैं, विदेशों से कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उन्हें अच्छे से पैक करके भेजा जाएगा। तो जो कंटेनर्स आपको भेजे जा रहे हैं, क्या उनकी लागत को भी आप असेसिबल वैल्यू में लिखेंगे? देन ऑब्वियसली, मान लो बड़े बड़े कागज़ के बॉक्स के अंदर आपको गुड्स पैक करके भेजे गए, तो वो कागज़ के बॉक्स को आप उनको वापस लौटाने थोड़े ना जा रहे, वो भी आपने एक तरह से क्या कर लिए, इम्पोर्ट कर लिए। देन उसकी कॉस्ट को ऑब्वियसली ऐड किया जाएगा, बट रिटर्नेबल कंटेनर्स, अगर वो कंटेनर्स रिटर्न किए जा सकते हैं प्लस रिटर्नेबल इन, यहाँ पे एक और दूसरी कंडीशन भी है, रिटर्नेबल इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर आप उनको रिटर्न कर रहे हो, तो उसकी कॉस्ट को आप नहीं जोड़ेंगे। समझ में आ रही है चीज़? मान लो कि जो गुड्स हमने मंगवाया ना, वो कागज़ के कंटेनर्स में नहीं, प्लास्टिक के बड़े बड़े कंटेनर्स में या फिर
किसी मेटल अदर मेटल के कंटेनर्स के अंदर आपके पास वो गुड्स आए हैं और वो कंटेनर आप क्या कर रहे हो अपने एक्सपोर्टर को वापस दे रहे हो कि हमें कंटेनर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ गुड्स की रिक्वायरमेंट थी, वो गुड्स आपने ले लिए, कंटेनर्स उनको वापस से रिटर्न कर दिए। विद इन 6 मंथ्स अगर आप ये रिटर्न करने वाले हैं या विद इन 6 मंथ्स आपका रिटर्न होता है तो ऐसे केस में कंटेनर्स की कॉस्ट को नहीं छोड़ा जाएगा, अदरवाइज कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स शेल बी इंक्लूडेड, वो इंक्लूड की जाएगी, उसे जोड़ा जाएगा एसेसिबल वैल्यू की कैलकुलेशन करते टाइम पर। तो दो चीज़ें हो गई, कमीशन ब्रोकरेज हो गया, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स हो गया। कॉस्ट ऑफ पैकिंग सिंपल है, उन्होंने आपके गुड्स को पैक करके भेजा है, कंटेनर्स के अलावा दूसरी कुछ प्राइमरी पैकिंग वगैरह भी तो करनी पड़ती है गुड्स की, तो वो जो पैकिंग के कॉस्ट है जोड़ा जाएगा, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। कॉस्ट ऑफ पैकिंग शैल बी इंक्लूडेड, आपकी असेसिबल वैल्यू के अंदर इसको इंक्लूड किया जाएगा। वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय बायर, वैल्यू ऑफ गुड्स इसको हिंदी में हम कहते हैं आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता द्वारा या फिर क्रेता द्वारा, जो परचेजर है जो बायर है उसने अगर कुछ गुड सप्लाई किए हैं तो उनकी वैल्यू। अब वो परचेजर क्यों गुड सप्लाई करेगा, तो अब समझो कि मान लो मुझे क्या करना है कि कोई मशीन परचेज करनी है किसी दूसरी कंट्री से, वहाँ पर वो मशीन बहुत अच्छी क्वालिटी की बनकर आती है, तो मैंने उनको ऑर्डर दे दिया कि मुझे आप ऐसी 100 मशीन्स क्या कर दीजिए मैन्युफैक्चर करके दीजिए, आप ऐसे 100 मशीनों का निर्माण करके वो मशीन्स मुझे दीजिए, लेकिन उस मशीन का कोई एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारे देश में वहाँ के कंपैरिजन में सस्ता मिलता है, तो ऐसे केस में मैं उन्हें क्या कहूँगी कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो मैं आपको भेज देती हूँ। इससे क्या होगा कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट कम हो जाएगी ना, मुझे कम पैसा देना पड़ेगा, मेरी मशीन सस्ते में बनकर आएगी। तो ऐसे केस में मान लो कि 5 लाख रुपये के ऐसे कुछ पार्ट्स खरीद के मैंने उन पर्सन्स को दे दिए, उस मेरा जो एक्सपोर्टर है जो मेरे लिए मशीन्स बनाने वाला है उसको मैंने 5 लाख रुपए के ऐसे कुछ पार्ट्स परचेज करके दे दिए। अब जब वो पर्सन बिल बनाएगा, जब वो पर्सन वो मशीन्स मैन्युफैक्चर उसने कर दी सब कुछ हो गया, अब जब वो बिल बना के मुझे देगा तो वो उसमें उस 5 लाख रुपए को नहीं जोड़ता है। क्यों नहीं जोड़ता है, तो क्योंकि उसकी तो कॉस्ट लगी ही नहीं। तो ऐसे केस में हो सकता है कि उसने वो 5 लाख रुपए वहाँ पर नहीं जोड़े हो, तो अगर वो नहीं जोड़ा गया है तो इसे जोड़ा जाएगा। और बोल दिया कि प्राप्तकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए माल का मूल्य 5 लाख रुपए और ये पहले ही बिल में दिखाया जा चुका है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखाना था, एक बार दिखाना है, डबल एंट्री यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आपने ऑलरेडी उस 5 लाख रुपए के गुड्स को अपनी कॉस्ट में शामिल कर रखा है पहले से ही मेरे एक्सपोर्टर ने, तो फिर मुझे वापस से उसे ऐड बैक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं किया गया है तो उसे जोड़ा जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 5 लाख रुपए का इम्पोर्ट तो हो ही रहा है ना, उसने अपनी कॉस्ट में शामिल नहीं किया, उसने नहीं बताया, लेकिन मैंने तो वो गुड्स को इम्पोर्ट किया है, जैसे कि इसमें उस पर कस्टम्स ड्यूटी तो लगनी चाहिए ना। तो गवर्नमेंट कहेगी कि 5 लाख रुपए के गुड्स आपने इम्पोर्ट ही तो किए हैं, और अगर इम्पोर्ट किए हैं तो हम इस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज ज़रूर करेंगे, उसने पहले से लिख दिया है, ओके नहीं लिखा है अब ऐड कर दो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 5 लाख रुपए के गुड्स और उसमें से 3 लाख रुपए शामिल कर लिए गए हैं, तो 2 लाख अब और कर दो, कुल मिला के 5 का 5 पूरा इस अमाउंट के अंदर असेसेबल वैल्यू में आना चाहिए। कैसे भी उसने पूरा कर रखा है, कुछ करने की ज़रूरत है, उसने कुछ नहीं कर रखा है, पूरा 5 लाख ऐड करो, उसने 3 लाख कर रखे तो रिमेनिंग 2 आप ऐड कर दो, तो कुल मिलाकर ये वाली जो अमाउंट है वो असेसेबल वैल्यू के कैलकुलेशन के अंदर आएगी, ऐड की जाएगी। फिर ये 4 चीज़ें हो गई, रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस ऐड की जाएगी, मैं नहीं लिख रही हूँ इसको बोर्ड पर, रॉयल्टी या फिर लाइसेंस की फ़ीस जो भी होती है, नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, उसके अंदर हमने सारी चीज़ों को लिख रखा है। तो अगर कोई भी रॉयल्टी या फिर लाइसेंस फीस नाम से एक्सपेंडिचर है तो उसको जोड़ा जाएगा, बिल्कुल ऐड किया जाएगा। अदर पेमेंट मेड टू फॉरेन सेलर, जैसे यहाँ पर गुड्स अप्लाई किए हैं ना, उस गुड्स की जगह कोई अदर पेमेंट भी आपने किया है, आपने उनको क्या किया था, कभी 5 लाख रुपए भेजे थे तो उसने क्या किया आपको बिल बना के 5 लाख का कम दिया, तो गवर्नमेंट कहेगी नो, ये गुड्स की वैल्यू तो है ना, ये 5 लाख रुपए आपने गुड्स के लिए तो भेजे हैं, तो इन 5 लाख रुपए को भी आप एसेसिबल वैल्यू के अंदर जोड़ोगे। तो अदर वैल्यू या अदर पेमेंट मेड बाई बायर
टू इट्स सप्लायर, अगर सप्लायर को आपने और कोई पेमेंट किया है गुड्स के अलावा दूसरी कोई दूसरा पेमेंट भी अगर किया है तो उससे रिलेटेड अमाउंट को भी असेसेबल वैल्यू के कैलकुलेशन के अंदर जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं जिनको ऐड किया जाता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको एक्सक्लूड करना है, इन चीज़ों को पूरा ध्यान रखना। परचेज कमीशन को ऐड नहीं करना है और रिटर्नेबल कंटेनर रिटर्नेबल इन 6 months तो उसको आपको ऐड नहीं करना, अदरवाइज होगा पैकिंग हमेशा ऐड होगी। वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय बायर ध्यान रखना है, कितना ऐड करना था कितना किया, कुछ भी नहीं किया तो हम कर देंगे। इसी तरह वैल्यू ऑफ अदर पेमेंट्स या फिर अदर पेमेंट मेड बाय परचेजर या बाय बायर टू इट्स सप्लायर वो भी ऐड करना है। रॉयल्टीज और लाइसेंस फीस इन सारी चीज़ों को ऐड किया जाता है। तो ये तो थी जो चीज़ें एक्सक्लूड की इंक्लूड की जाएगी टू बी एक्सक्लूडेड। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आपको एक्सक्लूड करना है, न जोड़ी जाने वाली मदें जिनको आपको असेसेबल वैल्यू के अंदर नहीं रखना है। सबसे पहला पोस्ट इम्पोर्टेशन कॉस्ट, पोस्ट इम्पोर्टेशन कॉस्ट यानी कि आयात के पश्चात की लागतें। आपने क्या किया, गुड्स परचेज कर ली, मशीन मैंने मांग लो, एक कोई बड़ी मशीन मंगवाई है किसी दूसरी कंट्री से, वो मशीन मैंने परचेज कर ली, इंपोर्ट कर ली, वो आ गई एयरपोर्ट पर आ गई। अब उसको एयरपोर्ट से मैं अपनी फैक्ट्री तक लेके गई, वो जो खर्चा है वो पोस्ट इम्पोर्टेशन कॉस्ट है, आयात के बाद की लागत। उसको मैंने अनलोड करवाया, उसको फिर से किसी दूसरे ट्रक में लोड करवाया, फिर वहाँ से वो ट्रक लेके गया, फ्रेट लगा, वहाँ वापस उतारा, उससे संबंधित जो भी खर्चे लगे ना, ये सब के सब क्या है, पोस्ट इम्पोर्टेशन कॉस्ट, आयात के पश्चात की लागतें हैं। इन्हें कभी भी शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कस्टम्स ड्यूटी की कैलकुलेशन तो आप अपने पोर्ट पर ही कर रहे हो। आपको गुड्स डिलीवर कब होंगे, जब आप कस्टम्स ड्यूटी पे कर दोगे, तो आप जब ये खर्चे हुए ही नहीं है उस दौरान, तो फिर हम उसको ऐड क्यों करें। सीधी सी बात है, मशीन वगैरह या फिर जो भी आपके एसेट है, पोस्ट इम्पोर्टेशन अगर कोई कॉस्ट है तो उसको हमें कभी भी ऐड नहीं करना है। क्वेश्चन के अंदर अगर गिवन है तो उसके लिए एक सिंपल सा नोट डालेंगे कि पोस्ट इम्पोर्टेशन कॉस्ट को असेसेबल वैल्यू की कैलकुलेशन करते समय नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए हमने इस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को या इन इन एक्सपेंडिचर्स को नहीं जोड़ा। तो पोस्ट इम्पोर्टेशन कॉस्ट जो होगी आपकी वो ऐड नहीं की जाएगी। ये पोस्ट इम्पोर्टेशन कॉस्ट थी इंस्टॉलेशन वगैरह से संबंधित। अगर इसी तरह पोस्ट इम्पोर्टेशन कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन है जो मैंने इसी के अंदर आपको समझा दिया, तो सारी की सारी पोस्ट इम्पोर्टेशन कॉस्ट नहीं जुड़ेगी। ड्यूटीज एंड टैक्सेस इन इंडिया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस इन इंडिया, आपने गुड्स मंगवा लिए, मान लो मैंने जो इम्पोर्ट किया है वो दिल्ली तक किया है, मेरा जो एक्सपोर्टर था वो दिल्ली में मुझे गुड्स डिलीवर कर रहा है, दिल्ली में मुझे गुड्स मिल गए, लेकिन मेरी फैक्ट्री तो यहाँ राजस्थान में, अब दिल्ली से मुझे राजस्थान में उन गुड्स को लाना पड़ेगा, तो फ्रेट तो लगेगा, भाड़ा तो लगेगा, वो फ्रेट वगैरह ये सारी चीज़ें तो इसके अंदर आ गई, फ्रेट इंश्योरेंस व्हाटएवर वो सब तो इसमें आ गया बाद वाला। लेकिन अब जब गुड्स दिल्ली से राजस्थान में आएंगे तो रास्ते में और भी तो कुछ टैक्सेस या ड्यूटीज़ लग सकती हैं, वो सारे टैक्स वो सारी ड्यूटीज़ वो सब कुछ होंगी, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस इन इंडिया, इनको भी नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कस्टम्स ड्यूटी आप पहले पे कर चुके हो, असेसेबल वैल्यू पहले कैलकुलेट होती है। सिंपल सी चीज़ है, उन गुड्स से संबंधित इंडिया में इम्पोर्ट के बाद जो भी खर्चे हो रहे, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो मशीन के या किसी एसेट के इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो फ्रेट हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, लोडिंग अनलोडिंग चार्ज हो, कुछ भी हो, किसी को भी एसेसिबल वैल्यू के अंदर आपको इंक्लूड नहीं करना है। ये चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं। समझ में आ गई? सिंपल सी चीज़ें, कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। एक छोटी सी एक दो नोट्स है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ, जो कि हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते टाइम पे हमारे काम आएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि CIF जो होती है वो इन डॉलर और यूरो या फिर पाउंड इस तरह से फॉरेन करेंसी में होती है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं CIF इन रुपीज़ में। तो यहाँ पर क्या काम आती है, एक्सचेंज रेट विनिमय दर काम आती है। अभी एक्सचेंज रेट कहाँ से आएगी, तो मैंने कहा था क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, तो बिल्कुल गिवन होगी, लेकिन एक्सचेंज रेट आपको 2-3 गिवन हो सकती है। एक एक्सचेंज रेट हो सकती है RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक हो सकती है CBIC,
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की हो सकती है, या फिर आपकी ट्रांजैक्शन की रेट भी हो सकती है। ट्रांजैक्शन रेट मींस एक्चुअल वो रेट जिस पे आपने उसको पेमेंट किया है। अब मान लो आरबीआई ने कहा $1 इज इक्वल्स टू ₹65, सीबीआईसी ने आपका डिसाइड कर रखा है कि $1 इज इक्वल्स टू ₹70 और आपने जो एक्चुअल पेमेंट किया है वो गया है $1 इज इक्वल्स टू ₹71 पर, तो तीनों रेट्स आपको क्वेश्चन में दे रखे। अब यहाँ कंफ्यूज हमें होना ही नहीं है, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ये बनाया ही गया है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को रेगुलेट करने के लिए इंडिया के अंदर, तो इसने जो रेट फाइनल कर दी वो ही रेट हमारी एक्सचेंज रेट कही जाएगी। तो बोर्ड ने जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इसने जो रेट आपके डिसाइड कर रखी है वो ही एक्सचेंज रेट हमें यूज़ करनी है, आरबीआई की रेट या फिर ट्रांजेक्शन रेट का हमें ध्यान में नहीं रखना है। और क्वेश्चन में एक ही रेट दे रखी है उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो सिंपल हम उसे ही अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा रेट दे रखी है तो ध्यान रखना हमें सीबीआईसी वाली रेट से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकंड, अब एक्सचेंज रेट आपको मान लो कि सीबीआईसी नहीं दे रखी है, आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ही है, लेकिन इसने भी आपको दो डेट दे दी, इस डेट पर ये बोल रहे हैं $1 इज इक्वल्स टू ₹71, इस डेट पे बोल रहे हैं $1 इज इक्वल्स टू ₹70। अब क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है ये आपकी एंट्री डेट है बिल ऑफ एंट्री की और ये आपकी एंट्री है डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है, ये आपकी डेट ऑफ इनवॉइस है 24 जुलाई और ये 27 जुलाई आपकी बिल ऑफ एंट्री की डेट है। तो सीबीआईसी, मैंने अभी कहा था कि हमें तो सीबीआईसी वाली रेट को ध्यान में रखना है, तो आप कहेंगे कि मैम इन्होंने भी तो दो रेट दे रखी है, 170 171, तो हम किसको लेंगे, तो यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री वाली डेट को लिया जाएगा। तो रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए आपको ध्यान में रखना है सबसे पहली चीज रेट वो ही ली जाएगी जो सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा नोटिफाइड होगी, और सेकंड बिल ऑफ एंट्री की जो डेट होगी वो वाली रेट ली जाएगी। अगर एक ही डेट पर दे रखा है ऐसा कुछ है ही नहीं तब तो कोई दिक्कत नहीं, दो डेट्स दे रखी है, बोल रखा है 27 जुलाई आपका बिल ऑफ एंट्री का डेट है और 24 जुलाई आपका डेट ऑफ इनवॉइस या फिर कोई अदर डेट है, तो ऐसे केस में आपको बिल ऑफ एंट्री वाली रेट को ही डेट पर जो रेट दे रखी है उसको ध्यान में रखना और उसके हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर की जितनी भी थ्योरी थी वो हम सॉल्व कर चुके हैं, कल अब हम इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको वापस से अच्छे से आप लोग पूरा लेक्चर पढ़िए, नोट्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, थैंक यू।